मैं आज आपको बताने वाला हूँ मेरा जो लैपटॉप है यहाँ पे आ रहा है नो बूटेबल डिवाइस फाउंड प्रेस एनी की टू रिबूट दी मशीन। तो सिंपली ये हमारा डेल का लैपटॉप है, डेल वोस्टो 15 है, जो कि इस टाइप के इरर आ रहा है और लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सिंपली करना क्या है, यहाँ पे आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल आल्ट और डिलीट बटन एक साथ प्रेस कर देनी है, ये 100% सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, प्रॉपर आपका जो प्रॉब्लम है ये 100% सॉल्व हो जाएगा 100%। सो सिंपली यहाँ पे कंट्रोल आल्ट और डिलीट बटन प्रेस कर देनी है, एक साथ प्रेस करने के बाद आप देखोगे आपका लैपटॉप रिस्टार्ट हो गया है। देन रिस्टार्ट होने के बाद जैसे वो ऑन होगा, जैसे स्क्रीन आएगी, आपको बैक टू बैक F12 बटन जो कि ऊपर वाले रो में है आपको प्रेस करनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कुछ इस टाइप से ओपन होके आ जाएगा आपको। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको लास्ट ऑप्शन देखना है, चेंज बूट मोड सेटिंग है। सिंपली उस पर कीबोर्ड पे डाउन एरो की मदद से हम सीधा आ जाएंगे नीचे, लास्ट में इंटर कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे UEFI बूट मोड जो है आपका वो ऑफ है फर्स्ट ऑप्शन। तो सिंपली अभी जो सेकेंड ऑप्शन ऑन है वहाँ पर क्लिक करना है, आपको ऑन करना है, मीन्स ये UEFI बूट मोड आपको ऑन करना है। तो सिंपली डाउन एरो की मदद से जैसे भी किया था हमने, सेकेंड ऑप्शन चूज़ करना है, उसके बाद इंटर को हिट कर देना है, इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करोगे देन वो अप्लाई के लिए पूछेगा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सेटिंग, आप भी वैसे सेम करना, 100% सॉल्व हो जाएगा। यस करना है, अप्लाई करना है, देन उसके बाद देखोगे लैपटॉप रिस्टार्ट हो गया आपका। इसके बाद जब ऑन होगा लैपटॉप तो आप देखोगे मैजिक कि आपका लैपटॉप सिंपली ऑन हो गया है और वो अभी बूट हो रहा है, जो एरर आ रहा था वो गायब हो चुका है। सो ये मैजिक ही समझो एक तरफ से, बिकॉज ऑफ आपका जो बायोस है वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे तो रिसेट हो गया है। सो सिंपली वहाँ पे आपका जो विंडोज़ है वो बूट नहीं कर पा रहा था, 100% सॉल्व हो गया, ये जो प्रॉब्लम था आपका सॉल्व हो गया है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।